सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ पर मुझसे पहले बहुत सभी बुद्धिजीवियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते, जो बाबा साहब के सपने थे कि हमें इस देश को बौद्ध में राज बनाना है और इस देश में शासन सत्ता पर लाने के लिए, हुकूमत पर आने के लिए हमें संघर्ष करना है, ये दो सपने लेकर बाबा साहब चले थे। बाबा साहब ने शासन सत्ता का रास्ता संविधान को लिख करके हम लोगों को अधिकार जो दिया, जो राजनीति में जो हमको अधिकार दिया कि राजनीति में भी हम लोग खड़े होकर के अपने समाज का, अपने मुल्क का, हम अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने का जो राइट हमको बाबा साहब ने दिया। और वही एक सपना जो बाबा साहब ने देखा कि इस देश में जो बौद्ध विचारधारा है, बौद्ध धर्म है, उस धर्म का प्रचार प्रसार करना, जन जन तक उनकी विचारधारा को पहुंचाने का काम करना। बाबा साहब सही माने में, अगर बाबा साहब हमें 1956 में, 14 अक्टूबर 1956 में अगर बौद्ध धर्म का रास्ता अगर हम लोगों को ना देते तो शायद आज हम बहुत ही सड़ी गली जो कुरीतियाँ हैं जिनको लंबे समय से हम लोग ढोते हुए आ रहे हैं, शायद आज जिस प्रकार से आज हम उन सारी बातों का तर्कपूर्ण तरीके से जो हम सब सवाल जवाब उन सामने वालों को करते हैं वो शायद नहीं कर पाते। अगर बाबा साहब ने सही माने में हमें बाबा तथागत गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को अगर ना दिया होता तो शायद आज हम जहाँ आज हम बंठन के सूट बूट पहन के आज हम यहाँ बैठे हैं, शायद वो हम नहीं बैठे होते। धन्य धन्य हो बाबा साहब जो जिन्होंने हम सब लोगों के लिए जो 26 नवंबर 1950 को जो संविधान लिख करके हम लोगों के लिए दिया, उसमें जो राइट हम लोगों के लिए दिए, जो अधिकार हम लोगों के लिए दिए, वो हमारे लिए हमारे जीवन को सही माने में ये एक मायने देते हैं। कैसे मायने देते हैं, हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मनुस्मृति का राज था, जब मनुस्मृति का राज था, हमारी माँ बहन बेटियों को, हमारे खुद हमारे माता पिताओं को, हमारे बुजुर्गों को वह अधिकार प्राप्त नहीं थे, वो अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने एक ऐसे ग्रंथ बना करके, एक ऐसी चीज हम लोगों के लिए बना करके दे दी जिसके माध्यम से हम कहीं भी और कभी भी सामने वाले के मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और अपनी जो राइट है उसको मांग सकते हैं। संविधान लिख करके जब संविधान सभा में सौंपा था तो बाबा साहब ने अपने समाज को संबोधित करते हुए कहा था कि हे मेरे देश के गरीब पीड़ित समाज के लोगों, आज मैंने अपने इस देश में जो रानी के पेट से जो राजा पैदा होता था उसका आज मैंने ऑपरेशन कर दिया है। आज हमारे इस देश में जो राजा जो बनेगा वो मात्र मतदान जो हम पत्र पेटी होती है उससे निकलेगा। ये चीज हमें बाबा साहब देखे गए। बाबा साहब को सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे देश की महिलाओं को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो। हमारी माता बहनें सबसे ज़्यादा इन सारी चीज़ों से अनभिज्ञ रहती हैं, उन्हें शायद ये पता ही नहीं, उन्हें लगता है कि हमारी काली माता हमको देती है, हमें भोले बाबा हमको देते हैं, कृष्ण जी हमको देते हैं। लेकिन उन माता बहनों को समझना चाहिए कि कृष्ण और ये भोले बाबा अगर ये सारी चीज़ें दे रहे होते ना तो आज जो स्थिति आपकी जो बन गई है वो शायद कभी नहीं बनी होती, क्योंकि बाबा साहब ने जो अधिकार तुम लोगों को दे दिए सिर्फ उनकी अधिकारों की वजह से आप इतनी बंठन के रह पाती हैं। मैं एक छोटी सी बात में अपनी माता बहनों को यहाँ इस मंच के माध्यम से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि हमारी जो माता बहन कहती हैं कि हम लोगों को जो काम जो करते हैं वो सिर्फ हमारा जो आशीर्वाद है वो सिर्फ भगवानों की वजह से होता है। मैं कहती हूँ अगर तुम्हारे क्षेत्र में अगर तुम्हें अगर कोई व्यक्ति अगर मारता पीटता कूटता है तो आप, मैं कहती हूँ आप फिर मंदिर जाया करो, वहाँ का घंटा बजाया करो और उनसे कहा करो कि भाई आज हमने इसको, इसने हमको मारा, आप इनको दंड दो, उनको श्राप दो, उनको भस्म कर दो। क्या ऐसा संभव था? नहीं था। क्यों? क्योंकि हमें सब अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एक प्रपंच है, हम लोगों का डर है, हमारे अंदर डर बैठाने का एक सिस्टम है उन मनुवादियों का।
उन जो पाखंडी जो बैठे होते हैं, जो ब्राह्मण जो बैठे होते हैं, उन्हें पता है उनका बिजनेस किस तरीके से चलेगा। उन्हें पता है कि जब तक हम लोगों के बीच में इनके मन में अगर हम डर नहीं बैठाएंगे तब तक हम लोग ये लोग हमारी बातों को सुनने को तैयार नहीं होंगे। तो माता बहनों को कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहती हूँ कि माता बहनों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जब हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है तो हम लोग सीधा थाने के लिए भागते हैं। क्यों भागते हैं, क्या इस चीज पर गौर किया? अरे आपको तो मंदिर में जाना चाहिए, तो आपको तो पता है कि हम सब कुछ जो देता है, जो सामने जो मूर्ति बैठी है वही शायद उन्हीं के प्रताप से सब कुछ होता है। हम थाने में फिर क्यों जाते? तो इन माता बहनों को पता होना चाहिए, थाने में जाने का अधिकार जो है वो बाबा साहब ने आप लोगों को दिया। बाबा साहब ने आप लोगों को अधिकार दिया, आपके माता पिता की जो संपत्ति है ना उसमें से आपको बराबर का राइट अधिकार दिया। बच्ची जो बच्चा अगर कोख में है तब से ही उसके राइट शुरू हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि उसने जन्म लेगा तब से ही शुरू होंगे, जब वो कोख में होता है चाहे बेटी हो या बेटा हो दोनों को बराबर के राइट अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ये अधिकार कोई मनुस्मृति ने हम लोगों को नहीं दिया, ये अधिकार हमें सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने दिया। हमारी माता बहना कहती है बच्चों की जो प्रोग्रेस है, बच्चों की जो शादी ब्याह है, बच्चों की जो नौकरियां हैं, वो सारे सब कुछ भगवानों की दुआ से होते हैं। मैं कहती हूँ भाई भगवानों की अगर दुआ से अगर ऐसा होता ना तो पंडा पुजारी का जो बैठे होते हैं ना दान की पेटियां जो लगा देते हैं, आपको शायद पता नहीं उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं दान पेटियों के माध्यम से, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके माध्यम से उनका बिजनेस चल रहा है, बिजनेस से उनसे महल दीवारे जो भी बनाते हैं बिजनेस करते हैं उन पैसों से। बट हम लोग ये चीज़ समझते ही नहीं, हम अपना समय भी देते हैं, हम अपना पैसा भी देते हैं। हम कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत अपनी शिक्षा को अगर आप माध्यम बना लो, शिक्षा को और ढंग से अपने बच्चों को पढ़ा लो, उन्हें बता दो, क्योंकि जब तक बंदे के किसी इंसान के पास अगर शिक्षा नहीं होगी वो कभी भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उन्हें सिर्फ डराया जा सकता है। अगर शिक्षा होगी तो वो सामने वाले को भी डरा देगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हमारी माता बहनों को शिक्षा पर बहुत जोर देना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहिए, और ख़ास करके माता बहनों को चाहे वो किसी भी समाज की हो उन सबको बाबा साहब का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब की ही प्रताप से उनके बाबा साहब के संघर्ष के कारण ही आज हम इतने बंठन के बैठे हैं, इतने सारे राइट हम लोगों को मिले हैं। आज कोई अगर पति भी अगर हमारे ऊपर कोई भी उंगली उठाता है तो हम उसकी भी शिकायत कर देते हैं, उसको भी उनको भी वो सजा मिल सकती है जो अगर तुमको कोई भी परेशानी होती है तो। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने हम लोगों को राइट दिए, तो क्यों ना हम बाबा साहब के बताए वो रास्ते, बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित बनो, तो क्यों ना हम शिक्षा पर जोर दिया जाए, क्यों ना हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएं, क्यों हम उसको पाखंड और अंधविश्वास की तरफ जाए, उस रास्ते को बंद करना पड़ेगा। खास करके महिलाओं को सबसे ज़्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारी महिलाएं बहुत जल्दी बातों में आ जाती हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि और समय बहुत हो गया और भी हमारे बुद्धिजीवीगण बैठे हैं उनको सबको सुनना है। मैं सिर्फ मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जितना हो सके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और उनको